अरे अपने यही तो रहना है, कहाँ जाना है? आप साथ ही ना सर, सिर्फ आने के लिए दो लाइनें बोल देते प्लीज। पढ़ सच्ची गल कह दो सर। हाँ जी बस यही कह दो सर, यही चीज रिकॉर्ड करने के यही बोलो सबको। राम समर्थकों के लिए सर धन्यवाद सर, इतने लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूंगा, बहुत बहुत बधाई सारे प्रदेशवासियों को हरियाणा की, कि हमारे दिलबाग सिंह जी आ चुके हैं वापस। ठीक है, अब ये विधायक जी एमएलए बन के नहीं, एक मंत्री बन के आए हैं। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमारे दिलबाग सिंह जी एक मंत्री के पद के उम्मीदवार पक्के हो चुके हैं, और ये हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज है। आइए अब देखने को मिलेगा जी, बहुत जोश मिलेगा, युवाओं का भी पूरा सबूत रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल 2024 में अपनी भाभी हमारे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं वो भी मुख्यमंत्री पक्के होने वाले हैं। पूरा पूरा जोश मिलेगा सर इस बार, क्योंकि इस बार बीजेपी वालों की भी और कांग्रेस वालों की भी जमानत जब्त हो जाएंगी। आप ये देख सकते हो कि जो इन्होंने इतना गंदा जो राजनीति षड्यंत्र रचा था दिलबाग जी के ऊपर एक अनशन लगाने के लिए, वो एक अनशन नहीं एक राजनीति के उनके ऊपर वो दिया गया, पर ये हमारे दिलबाग जी और निखर के निकलेंगे इस बार और एक मंत्री बन के ही आएंगे। क्लीन चिट मिली है, बिल्कुल है। जी क्लीन चिट मिली, कुछ भी नहीं मिला था, और ये तो राजनीतिक षड्यंत्र से इन्हें फंसाया जा रहा था, और ये इनकी माताओं बहनों की सबकी दुआएं थी जो इस बार दिलबाग जी को एक भारी बहुमत से हम जिताने का प्रयास पूरा करेंगे, और विधानसभा के सारे युवा साथी इनके साथ जुड़े होंगे। ये जो कार्रवाई जिस कार्रवाई के तहत इन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी माननीय दिलबाग सिंह जी को, दिल ऑफ यमुनानगर भाई दिलबाग सिंह, इनको जो फंसाने की कोशिश की गई थी ये देखकर कि ये जीते हुए उम्मीदवार हैं, और अब तो दुगने मतों से जीतेंगे। पहले तो जीते हुए थे ही और इसीलिए दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तो दुगने मतों से जीतेंगे। ये जलजला आएगा हर इंसान के अंदर है, युवा के अंदर, हर साथी के अंदर, भाई के अंदर, बहन के अंदर, माता के अंदर, हर पिता के अंदर दिलबाग की छवि चमक चुकी है। कुछ समय के लिए बादलों ने सूरज को ढका हुआ था, आखिर में बादल छट गए हैं, भाई दिलबाग सिंह नाम का सूरज फिर से जिला यमुनानगर के अंदर चमकेगा, और समाज का हर वर्ग, हर संस्था, और विशेषकर हमारा पूर्वांचल का जो समाज है बहुत अत्यधिक वोटों के साथ अपनी अहम भूमिका विधानसभा के अंदर निभाता है, और पूरा पूर्वांचल का समाज, क्योंकि इस पार्टी ने पूर्वांचल प्रकोष्ठ का गठन भी किया है, पदाधिकारी बनाए गए हैं, और ये पूरे पदाधिकारी जबरदस्त वर्किंग में है, और प्रदर्शन दिखा भी चुके हैं हम लोग, और जबरदस्त प्रदर्शन होगा, जबरदस्त वोटें मिलेगी, पूर्वांचल का पूरा समाज एक तरफा भाई दिलबाग सिंह के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए काम करेगा। जय।